दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। दोस्तों, नागमणि के बारे में हम सब ने सुना है। कहा जाता है कि ऐसे सांप आज भी जीवित हैं जिनके पास नागमणि है। हमारे ग्रंथों में और पौराणिक मूर्तियों में इसका उल्लेख मिलता है। आज हम बात करेंगे नागमणि के बारे में। दोस्तों, नागमणि सच में होती है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसके बारे में जो भी बताया गया है, आज हम आपको वो बातें बताएंगे। कहा जाता है नागमणि अंधेरे में चमकती है। इसकी रोशनी की वजह से आसपास कीड़े और छोटे मोटे जानवर आ जाते हैं जिन्हें सांप खाता है। नागमणि मोर के कंठ और अग्नि के जैसे चमकीली होती है। कहा जाता है कि ये मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता और वो रोग मुक्त हो जाता है। जिन राजा महाराजाओं के पास ये मणि थी उन पर कभी आक्रमण नहीं हुआ और उनकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी। दोस्तों, का छह लोगों का मानना है कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां भी होती हैं जिनकी मदद से इंसान अमर हो सकता है। यही वजह है दुनिया भर में लोगों ने नागमणि को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक वो किसी के हाथ नहीं लगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने नागमणि को देखा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नागमणि सच में होती है? अगर आपने इसके बारे में कुछ सुना है तो जरूर बताइए। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।